गुड इवनिंग टीयर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है एक मिसा टेक में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे प्रिकॉल लिमिटेड पे, कैसी है कंपनी, इसी के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन चार्ट चेक सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहता हूं। देखते हैं ट्रेड्स, जो शेयर का प्राइस है वो अभी करंटली जो है 101 रुपीज 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मूवमेंट दिखाया है 7.72% की। अगस्त 4 को इसके नेक्स्ट अपकमिंग के अर्निंग के रिजल्ट आने हैं जून क्वार्टर के, और जो अर्निंग पर शेयर हो रही है अभी बेसिकली वो 3 रुपीज 90 पैसे हो रही है। मार्केट कैपिटल जो है वो 11.432 बिलियन रुपीज की है। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी जो यहाँ पे है फिस्कल वाई का दिया है अभी डिविडेंट ईयर, वो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0% है। प्राइस अर्निंग की बात करें ट्रेड्स तो 24.2 आ जाता है। देखिए शेयर का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, काफी तगड़ी रैली दिया है वन स्तर के मापदंड पे देखा जाए तो। ये देखिए ट्रेड्स रैली इसकी जो रही है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, काफी अच्छा पॉजिटिव है और ग्रोथ भी काफी अच्छी है। टेक्निकल इंडिकेटर से स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं चार्ट में आपको कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। फाइनेंसेस पे आगे अगर बात करें ट्रेस तो अभी कुछ न्यूज में तो कुछ लेटेस्ट है नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट फाइनेंसेस पे ही डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैपिटल जो आ जाती है ट्रेस वो है 1233 करोड़ की। बुक वैल्यू जो है 43 रुपीज 10 पैसे, तो अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है 101 रुपए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फेस वैल्यू 1 है तो स्प्लिट अब नहीं होगा शेयर। ऑल टाइम हाई प्राइस जो है शेयर का 122 रुपीज है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 36.5% है। आपको मैं बताऊं ट्रेड्स ये कंपनी क्यों नजर में आई है, लास्ट 3 क्वार्टर से जो इसकी परफॉर्मेंस रही है वो काफी बेहतर हुई है, और मतलब आपको सितंबर क्वार्टर से जो इसके नंबर है वो कंडीशन है बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतर हुई है, और ईयर वाइज भी इसके लास्ट 3 ईयर की अगर बात करें तो ईयर बेहतर नहीं रहा है, पर अभी जो ईयर बीता है एक वहां से थोड़ी कंडीशन बेहतर हुई है, क्योंकि उसमें सितंबर दिसंबर और मार्च के नंबर भी आते हैं, तभी कंपनी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रैली है मूवमेंट है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, आपको हाई लो प्राइस से नजर आ ही रहा होगा। तो कंपनी करती क्या है, देखिए जो व्हीकल्स के पार्ट होते हैं वो बनाती है और उसकी सेलिंग करती है, और भी बहुत सारे इसके पोर्टफोलियो में आ जाता है, जैसे क्लच हो गया, सेंसर हो गया, स्विच हो गया, पंप हो गया और मैकेनिकल प्रोडक्ट हो गया, इस तरीके की चीजें। तो अभी देखिए जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 12 महीने की 142% बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, इसी वजह से मेन रीजन रहता है डिस्कस करने का। सेल थोड़ी माइनस में रही है, फिर भी यहाँ प्रॉफिट कंपनी को अच्छा हुआ है। मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने अगर कम चीजें सेल किया है और प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है इसके पार्ट पहले से महंगे हुए हैं, पहले से महंगे पे सेल किया है। क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर वाले से मार्च के नंबर काफी कम है 93.5%, पर देख लेते हैं अभी कितने कम है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसके चार्ट पे बात करेंगे। कंडीशन देखिए अभी डेब्ट पहले से बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है, और जो अगला क्वार्टर का नंबर आने वाला है उसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छे आएंगे। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो लास्ट 3 ईयर का रहा है वो इतना बेहतर नहीं रहा है, पर 1 ईयर का अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया, वहां पे अच्छे नंबर थे। बोरोइंग्स थोड़ी सी हाई दिख रही है, अभी देख लेते हैं कितनी इसकी बोरोइंग्स हाई है। देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डाटा आपको जून 2018 से लेके मार्च 21 तक का दिख जाएगा। ये देखिए कंपनी के नंबर कैसे थे, हर जगह पे नेगेटिव में थे, पर लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी की कंडीशन बेहतर हुई थी जून दिसंबर मार्च से, तो इसी वजह से सेलिंग इसकी अच्छी खासी रही और कंपनी प्रॉफिट में भी बनी रही। तो अभी हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं, इसका प्रॉफिट लॉस बुक भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट लॉस बुक में नजर आ रहा है ट्रेस, वहां पे भी देखिए जो मैं आपको ऊपर बोल रहा था कि 3 ईयर इसके बेहतर नहीं थे, पर जो ईयर बीता है वो अच्छा बीता है। देखिए 42 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उससे पहले कंपनी नेगेटिव में ही नंबर थे लास्ट 3 ईयर से, तो ये एक अच्छी चीज है कि कंपनी अब प्रॉफिट में आई है, कंडीशन बेहतर हुई है, तो उसकी वजह से आपको जो रैली दिखानी एक स्वाभाविक है। अभी इसका ट्रेंड भी इसीलिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट पे नजर डालें ट्रेड्स तो कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल पहले से इंक्रीज किए हैं, एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे
9 था 12 करोड़ कर लिया है। रिजर्व्स भी कंपनी ने अपने इंक्रीज किए हैं तो एक अच्छी बात है। बोरोइंग्स देखिए 203 करोड़ की है, तो पहले से तो कम हुआ है पर अभी भी बोरोइंग्स 203 करोड़ की है। बाकी अदर लाइबिलिटीज में जो नंबर आ जाते हैं वो 509 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ हाल फिलहाल में नया नहीं है, बस 1 करोड़ का पिछले ईयर किया था। बाकी कैश फ्लो की बात करें तो बिजनेस इनका स्मूथली अब रन कर रहा है। देखिए 37 करोड़ का नेट कैश फ्लो आ रहा है। रेशियोस पे नजर डालें तो डेप्टर डेज 2-3-4 दिन बढ़े हैं पर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आरओसीई भी पहले से पॉजिटिव हुआ है तो एक अच्छी चीज आ जाती है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का बताऊं मैं आपको ट्रेड्स, तो ये देखिए जब से इसमें मेन चीज जो नजर आएगी वो एफआईएस की इन्वेस्टमेंट है। एफआईएस की इन्वेस्टमेंट सितंबर से आनी शुरू हुई और उसकी वजह से कंडीशन और बेहतर हो गई। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो सेम ही है, बस यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग बढ़ने की वजह से और अच्छी कंडीशन इसकी नजर आ रही है, जिसकी वजह से इसमें आपको रैली भी बनी हुई है। एफआईएस ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, देखिए कभी 0% थी, 0% थी, 0% थी, तो जून तक 5.95 थी, उसके बाद 5% इंक्रीज किया जब से नंबर इसके अच्छे आने लगे। तो और कंडीशन बेहतर होगी तो और एफआईएसडीआईएस की इन्वेस्टमेंट आना स्वाभाविक है, पर अभी जो जैसा चार्ट में नजर आ रहा है अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाता है। अब चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पे क्या नजर आता है। अगर आपको फ्रेश कॉल लेनी है तो आपको कहाँ पे लेना है फ्रेश कॉल के लिए, देखिए ड्रेस जो आपको एक डिप मिल जाती है वो 91 से लेके आप 96 रुपीस तक इसको भाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 105 का, तो इसके क्लोज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग व्यू है, जैसे कि इसके अगस्त 4 अगस्त को आने हैं नंबर इसके, तो आप इसका 28 तक का टारगेट इजिली लेके चल सकते हैं। और जो अच्छा खासा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं 90 रुपीज 70 पैसे पे, और इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। काफी अच्छा ये जोन मिल गया है शेयर को, तो अगर आप ये थोड़ा बिलो भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। शेयर करंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट इसका कुछ मैं आपको बताऊं तो मैं भी मार्क कर लेता हूं अपने लिए भी और आपके लिए भी हो जाएगा। 157 का इसका लेके चलते हैं अभी लॉन्ग टर्म टारगेट, मतलब 155 रुपीज ही होगा क्योंकि 157 पे तो रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इसको 155 तक का कर लेते हैं। बाकी अभी जो 1 वीक का टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा 114 रुपए तक का दिख रहा है आने वाला नेक्स्ट हफ्ते के लिए, 114 रुपए इसका टारगेट हो सकता है। और जो 1 मंथ के व्यू से इसमें टारगेट होगा वो अभी देखिए 128 रुपीज तक, और इससे ऊपर भी जा सकती है कंपनी जैसे कि 141 तक। अब डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर कि कैसी इसमें परफॉर्मिंग होती है। बाकी जो बाय कॉल है मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, 91 से लेके 96 रुपीज तक इसमें एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ईयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।